बारे में, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होट मिक्स प्लांट्स क्या होते हैं और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं ट्रैक्टर क्या है, क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर क्या है, व्हील टाइप ट्रैक्टर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया और स्क्रैपर के बारे में देखा हमने। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डंपर। तो डंपर क्या क्या यूज है, ये सारे के सारे जो है हम यूज वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। हमारे क्या होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, हाईवे मशीनरी है जो यूज की जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट्स। तो सबका अलग अलग काम हो सकता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें डंपर क्या है, तो डंपर एक डंप ट्रक होता है, एक लोरी होती है जो यूज की जाती है जहाँ सोयल को कहीं से ले जाकर, या हमारे जो सोयल को एक जगह से दूसरे जगह जहाँ डंप करना हो, जहाँ हमारी जैसे ग्रेवल्स हैं जो रोड में यूज़ की जाती हैं, स्टोन्स हैं, तो उनको भी हमने डंप करने के लिए रोड पे यूज़ करते हैं डंपर्स का, ठीक है जी। तो डंपर और डंप ट्रक क्या है, डंपर और डंप ट्रक is a lorry which can be emptied by raising the front to slide out from the back, allow the contents to slide out from the back, ठीक है जी। तो एक डंपर क्या है, एक लोरी होती है जो जो हमारे फ्रंट ऑफ द कैरियर ऑफ द अलाउ जो हमारा उसको रेजिंग करके जो हम जैकिंग सिस्टम की हेल्प से उसको रेज करते हैं और बैक साइड से जो भी मटेरियल रहता है जिसको डंप करना है, ठीक है जी, वो उसको डंप किया जाता है इसकी हेल्प से, एक लॉरी की हेल्प से, ठीक है जी। तो एक डंपर जो है एक ट्रॉली है जो फिट होती है एक ट्रक के ऊपर, ठीक है जी, यूज की जाती है हमारे लिफ्ट किया जाता है इसको ईजिली और जो हम किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी मटेरियल है उसको डंप करने के लिए इसमें और हम क्या करते हैं फिट करते हैं इस ट्रॉली में जो लोरी रहेगी, तो उसको जैकिंग सिस्टम की हेल्प से बैक साइड से हम उसको डंप करवा देते हैं, ठीक है जी। तो यूज क्या रहेगा डंपर का, इसके बारे में जान लेते हैं। यूज ऑफ डंपर, ठीक है जी। तो डंपर का क्या यूज है, डंपर आर यूज फॉर अर्थ फिलिंग वर्क, डिफ्रेशन वगैरह होती है, ठीक है जी। तो अर्थ फिलिंग का काम किया जाता है डंपर्स की हेल्प से। तो डंपर आर यूज्ड फॉर लोडिंग, डंपर्स आर यूज्ड फॉर लोडिंग एंड कन्वेइंग एंड डंपिंग, different types of materials of different types of materials at proper place of work, ठीक है जी। तो एक proper place पे work हमारे जो बहुत सारे जो मटेरियल रहते हैं जैसे स्टोन्स की
बात करते हैं, रोड स्टोन रहते हैं या सोइल हमने डंप करवानी है, जब डिप्रेशन होते हैं कहीं पे, तो अर्थफिलिंग के लिए या हमारे जो कन्वेइंग के लिए, लोडिंग के लिए और डंपिंग, तीनों कार्य के लिए हमारे जो डंपर हैं यूज किए जाते हैं फॉर द हाईवे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग डंपर मच टाइम इज सेव, तो बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है हमारे डंपर यूज करने की वजह से। तो बाय यूजिंग डंपर्स, मच टाइम इज सेव फॉर द अनलोडिंग ऑपरेशंस, done by manual labor, की वजह से जो हम अनलोडिंग की ऑपरेशंस की जाती है, तो उसको उसका जो टाइम है उस टाइम को बचाया जा सकता है बाय द डंपर्स। डंपर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर डंपिंग हिप, dumping hips of garbage by local municipal bodies, ठीक है, तो local bodies के द्वारा हम क्या है, जो हमारे dumper है mostly use किए जाते हैं for the hip of garbage। तो एक garbage के ढेर को हम क्या करते हैं, dump करने के लिए हम क्या करते हैं, dumpers का use करते हैं municipal committee वाले। ठीक है जी, तो ये municipal bodies रहती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, dumper रहते हैं। और अगर हम next हमारे mostly common use होता है हमारा highway machinery tipper। तो tipper क्या है और shovel क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो shovel हम कब यूज करते हैं और tipper हम कब यूज करते हैं फॉर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्पर्स के बारे में। तो टिप्पर क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये भी एक लोडिंग मशीनरी है जो यूज की जाती है हमारे रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए। जानेंगे टिप्पर्स के बारे में और इसका यूज क्या है, इसके भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टिप्पर। टिप्पर भी एक रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो मोस्टली यूज किया जाता है। तो टिप्पर वाला सुना है, टिप्पर लोरी, टिप्पर इज आल्सो नोन एज टिप्पर लोरी, लोरी और टिप्पर ट्रक और टिप्पर ट्रक, जस्ट लाइक ए डंप ट्रक, जस्ट लाइक ए डंप ट्रक, जस्ट लाइक ए डंप ट्रक हूज कंटेंट्स कैन बी एम्प्टीड, whose contents can be emptied, without handling, ठीक है जी। तो without handling जब जो material रहता है, जब content रहता है, तो उसको dump किया जाए, तो ये क्या है, tipper डंप ट्रक की तरह ही होता है, जो उसको बोलते हैं टिप्पर या टिप्पर ट्रक बोला जाता है। तो ये डंप जैसे डंपर होती है उसी तरह टाइप का है। तो इसमें क्या है, द फ्रंट एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म कैन बी न्यूमेटिकली रेज्ड, उसी तरह जैसे डंपर को हम जो फ्रंट
फ्रंट फेस रहता है डंपर का, उसी तरह से उसको क्या करता है जैकिंग सिस्टम की हेल्प से क्या किया जाता है, रेज करवाया जाता है और जो भी मटेरियल या कंटेंट रहेगा उसको क्या करता है डंप आउट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये भी इनका जो काम है डंपर की तरह ही है, जस्ट लाइक डंपर। तो उसके बाद हम बात करते हैं शोवेल की। तो शोवेल क्या रहता है, शोवेल क्या रहेंगे कि मोस्ट पावरफुल और जेंट एक्सकेवेटिंग मशीनरी है शोवेल। बहुत सारे जो वर्क हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क है हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए वो किए जाते हैं, कैरिड आउट किए जाते हैं बाय द शोवेल। ठीक है, शोवेल क्या है, द मोस्ट पावरफुल एंड जेंट एक्सकेवेटिंग मशीनरी एंड जेंट excavating machinery includes power shovel it is one of the most versatile component construction of highway especially for earthwork ठीक है जी, तो अर्थवर्क के लिए मोस्टली जो यूज किए जाते हैं, एक वर्सटाइल इक्विपमेंट है जो शॉवेल्स है, तो पावरफुल और जेंट एक्सकेवेटिंग मशीनरी है जो अर्थवर्क के लिए यूज की जाती है स्पेशली। ठीक है जी, तो बहुत सारे काम है जो बेसिक ऑपरेशंस है परफॉर्म किए जाते हैं जो शॉवेल्स के द्वारा, वो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस है कैरिड आउट करवाए जाते हैं शॉवेल्स के द्वारा, वॉकिंग और मूविंग और स्विंगिंग की जाती है। ये हमारे जो शॉवल्स है स्विंगिंग करता है, जो हमारी मशीनरी है वो जेंट मशीनरी है, वॉकिंग करती है और मूव भी करती है, और जो शॉवल है परफॉर्म करता है ये फोर ऑपरेशंस जो है, अगर हम बात करें वॉकिंग और मूविंग और उसके बाद हमारे स्विंगिंग और हमारे डिगिंग और एक्सकेवेटिंग का भी काम किया जाता है। डिगिंग एंड एक्सकेवेटिंग ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं बाय द शॉवेल्स। ठीक है, तो एक वर्सटाइल इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है फॉर द हाईवे ऑफ अर्थवर्क, फॉर अर्थवर्क एक्सकेवेटिंग मशीनरी है, एक पावरफुल मशीनरी है। ठीक है, मोस्टली यूज किया जाता है। क्या है वर्क, अगर हम बात करें इस दो टाइप की, अगर हम बात करें ये भी एक हमारे जो शॉवेल्स हैं, शॉवेल्स भी दो तरह के होते हैं, जैसे हमारे ट्रैक्टर दो तरह के होते हैं वैसे ही शॉवेल भी दो तरह के होते हैं। कैसे, ट्रक टाइप या जिसको हम व्हील टाइप शॉवेल्स बोल सकते हैं, एक होता है हमारा ट्रक टाइप शॉवेल्स, या हम बोल सकते हैं व्हील टाइप शॉवेल। ठीक है जी, और दूसरा क्या होता है क्रॉलर टाइप, भी शॉवेल्स होते हैं। ठीक है जी, पावरफुल एक्सकेवेटिंग मशीनरी है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए मोस्टली यूज की जाती है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे शॉवेल्स, दो तरह के शॉवेल से। आगे हम बात करते हैं ग्रेडर की, तो ग्रेडर क्या रहेंगे और हमारे जो इनके क्या फंक्शन है, क्या यूज है, कौन से ग्रेडर हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा मशीनरी रहेगी हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं हम ग्रेडर्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोलर के बारे में, रोलर क्या है, ड्रैग लाइंस क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे।
एक्सक्रीटिंग वर्क के लिए मोस्टली यूज की जाती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइव। नेक्स्ट वन जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रहेगा, हम जानेंगे ग्रेडर के बारे में। ग्रेडर क्या है? ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ग्रेडर की। ग्रेडर ग्रेडर एक अर्थ मूविंग मशीनरी है। ये भी ग्रेडर इज एन for snow clearance and maintenance of hill roads.
हिल रोड्स की मेंटेनेंस के लिए और साइट स्नो क्लियरेंस के लिए भी हम ग्रेडर्स का यूज करते हैं। तो मोस्टली हम जो हमारे ग्रेडर्स हैं यूज किए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रोलर्स के बारे में। तो रोलर्स क्या रहेंगे, ठीक है जी। तो मोस्टली हम यूज करते हैं रोलर्स का भी ऑन द कंस्ट्रक्शन एज अ कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो रोलर्स एक मोस्टली यूज करने मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारे हर तरह के रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे रोलर हैं जो यूज किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के रोलर हैं यूज किए जाते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे, टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे, कौन कौन से टाइप्स रहेंगे रोलर्स के जो हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। ठीक है जी, ये हमारे क्या थे, ग्रेडर्स और के बारे में जाना हमने आज, और जो हमारे टिप्पर्स हैं शॉवल्स हैं इसके बारे में जाना, और डंपर के बारे में जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोलर और उनके टाइप्स के बारे में क्या रहेंगी, और ड्रैग लाइंस के बारे में देखेंगे ड्रैग लाइंस क्या रहेंगी, और उसके क्या हमारे जो रोलर्स हैं कितने टाइप के रोलर हैं, और जिस टाइप्स के रोलर रहेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। जो हमारे टाइप्स के जैसे न्यूमेटिक टायर रोलर्स हैं उनका कहाँ पे यूज ज़्यादा है, जो शिप फुट रोलर्स हैं उनका काम क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो असफॉल्ट मिक्सचर्स हैं यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे।